This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. Assalamu alaikum and very good morning to everyone. Live wire ki is transmission mein main hoon aapka host Rohail Intikhab aur aapko hum mustaqil update rakhenge aaj pura din jo kuch ho raha hoga tamam sectors par baat karenge taki aap update rahe IT sector real estate sector cement sector petroleum sector stock exchange aur tamam tar issues se aapko aagah rakhenge aage badhte hain aapko bataye sabse aam khabar ye hai ki ji aaj jo hai cricket ka match hone wala hai aur log bade hi jo hai dilchasp hain aur bade hi jo hai उनमें पुरजोश है और वो जोश और खरोश है उनका कि आज क्या होगा और ये एक बड़ी अच्छी और मुस्बत एक्टिविटी है जैसे मैंने गुज़िश्ता रोज़ डिस्कस किया था कि मैचेस होने चाहिए मैचेस से जो है आपका कंट्री में एफडीआई आता है और मैचेस के जो नंबर्स हैं उसमें स्पॉन्सर्स अगर मल्टीनेशनल कंपनीज हों और वो कंपनीज हों जो जॉइंट वेंचर्स हों तो एक बड़ी तादाद में हम अच्छी एक्टिविटी देख सकते हैं और माशाल्लाह से जिस तरीके से पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होने के बाद बिज़नेस जो है वो बड़ी दात में आ रहा है इन टर्म्स ऑफ खेल इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग तो सबका अपना ही जो है यूनिट है वो जो परफॉर्म कर रहा है अगर बात करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तो स्टॉक एक्सचेंज गुज़िश्ता रोज़ खासा बैलेंस रहा हमने फर्स्ट सेशन में देखा जब कारोबार का आगाज़ हुआ तो थोड़ा सा माइनस हो गई थी मार्केट मनफी रुझान था फिर उसके बाद पॉजिटिव रुझान आया और पॉइंट्स जो है गेन और लॉस होते रहे लेकिन बाज़ार जो बंद हुआ वो बंद हुआ 444 पॉइंट्स के लगभग और अब देखना यह है कि अब से कुछ देर बाद स्टॉक मार्केट का आगाज़ बाकायदा हो जाएगा और उसके बाद क्या मोमेंटम और क्या डायरेक्शन रहेगी एक बार मैं आपको क्लोजिंग बता दूँ गुज़िश्ता रोज़ की उसके बाद बाकायदा आगाज़ करेंगे अपनी ट्रांसमिशन का और आपके सामने कुछ फैक्टर्स रखेंगे कि क्या करना चाहिए आपको और किस तरीके से अपने कारोबार का आगाज़ करें 100 इंडेक्स जो बंद हुआ वो 41,000 की सतह पर बंद हुआ उसमें हमने ये देखा कि 442.37 का पॉजिटिव चेंज रिकॉर्ड हुआ जो कि 100 इंडेक्स के लिए खासा बेहतर रहा क्योंकि 100 इंडेक्स 40,000 के लेवल पर भी आ चुका था तो ये कह सकते हैं कि इंडेक्स अपने आप को बड़ा ही बैलेंस करके और 40 to 42,000 के रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहा है जो कि ये आप ये कह सकते हैं कि इंडेक्स ने ख़ुद को संभाला हुआ है गिरने से थर्ड इंडेक्स कैटेगरी की बात करें तो 20,000 पर यह भी आ गया था और 21,105 पर बंद हुआ जिसमें हमने ये देखा कि 262.06 का मुस्बत चेंज इसमें आया जो कि इस कैटेगरी के लिए भी खासा बेहतर रहा अब बात करेंगे ऑल शेयर इंडेक्स की ऑल शेयर इंडेक्स जो है 29,753 पर बंद हुआ और इसमें 334.32 का आपने पॉजिटिव चेंज देखा तो ये सूरत हाल थी गुज़िश्ता रोज़ की क्लोजिंग की अब बात करेंगे टॉप वॉल्यूम स्टॉक्स की टॉप वॉल्यूम स्टॉक्स में टीआरजी पाकिस्तान ने लीड किया है 18.34 मिलियन शेयर्स और बैंक ऑफ पंजाब सेकंड वन पर है 13.97 मिलियन शेयर्स एसगार्ड 9 13.21 मिलियन शेयर्स एंग्रो पॉलीमर 6.60 मिलियन शेयर्स एंड पार्क इलेक्ट्रॉन एक्सजी 6.20 मिलियन शेयर्स ये तो वो सूरत हाल है जो टॉप वॉल्यूम्स की है बहरहाल स्टॉक मार्केट की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है और मैं क्या करूं मेरे सामने जो चीज़ रखी थी मैंने बता दी आपको बहरहाल स्टॉक मार्केट की जो मैं आपकी आपको फिगर्स बता रहा था वो जुम्मे के रोज़ की थी और अभी जो आपने टेलीविज़न पर देखी वो गुज़िश्ता रोज़ की थी तो वो थोड़ा सा डिफरेंस आ चुका है आप इस बात को भी रियलाइज़ कर सकते हैं बहरहाल ये भी हो जाता है दैट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ तो बहरहाल ये स्टॉक मार्केट सूरत हाल जो अपनी आपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देखी थी वो ज़्यादा बेहतर थी अब ये जो आई है फिगर्स आप देख सकते हैं टॉप वॉल्यूम में जगह बनी थी आज पाकिस्तान की जहांगीर सिद्दीकी कंपनी के स्टॉक में इजाफा हुआ एसगार्ड 9 थर्ड वन पर रहा आयशा स्टील मिल ने जगह बनाई फोर्थ पे और बैंक ऑफ पंजाब ने फिफ्थ पे जगह बनाई है तो ये सूरत हाल है ये एक बार फिर आप देख सकते हैं करेक्ट लेवल गुज़िश्ता रोज़ जो कि हमने पहले आपको बता दिया उसके लिए मैं माजरा चाहता हूँ कुछ वजूहात की वजह से वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में था अब जो इंडेक्स आपके पास प्रीवियस डे का है ये दुरुस्त है ये करेक्ट है तो 100 इंडेक्स जो है 41,126 पर बंद हुआ जिसमें 274 पॉइंट्स का नेगेटिव चेंज हमने देखा और थर्ड इंडेक्स जो है 20,963 पर बंद हुआ जिसमें हमने 142.77 का नेगेटिव चेंज
देखा ऑल शेयर इंडेक्स जो है वो 29,552.95 पर बंद हुआ और 200.34 का नेगेटिव चेंज हमने ऑब्जर्व किया। तो प्रीवियस डे की सूरत हाल आपने देख ली। टॉप गेनर्स के जो नंबर्स रहे वो खैबर टुबाको के स्टॉक में इजाफा हुआ ₹22 का, ICI पाकिस्तान में इजाफा हुआ ₹19 का, हाई नून लेबॉरटरी में इजाफा हुआ ₹18 का, ब्लेस टेक्सटाइल में इजाफा हुआ ₹12 का और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में इजाफा हुआ ₹11 का। तो ये वो स्टॉक्स हैं जो टॉप गेनर्स बने। टॉप लूजर्स में कॉलगेट पामोलिव, भनीरो टेक्सटाइल, नेशनल रिफाइनरी, इंडस डाइंग और विद पाकिस्तान लिमिटेड में आपने देखा कि लॉस हुआ। ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो टॉप लूजर्स के हवाले से उनकी वैल्यूशन कम रही। अब बात करते हैं गुज़िश्ता रोज़ की कंपनीज़ की। नंबर ऑफ़ कंपनी 350 रही जिसमें हमने एडवांस देखा 87 कंपनीज़ का और डिक्लाइन देखा 240 कंपनीज़ का और 23 कंपनीज़ में हमने कोई चेंज नहीं देखा, वो अनचेंज रहीं। एक बार वॉल्यूम्स की बात कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। वॉल्यूम्स जो हैं 30 इंडेक्स कैटेगरी में 32.35 मिलियन शेयर्स, 100 में हमने देखा 50.38 मिलियन शेयर्स एंड ऑल शेयर्स जो है वो 94.95 मिलियन शेयर्स। तो ये सूरत हाल स्टॉक मार्केट की रही। अगर आपको बताएँ टॉप फाइव सेक्टर्स, तो टॉप फाइव सेक्टर्स में जो टर्नओवर्स रहा टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन का वो लीड किया गया, उसके बाद कमर्शियल बैंक ने जगह बनाई, टेक्सटाइल कंपोजिट थर्ड वन पर रहा, इंजीनियरिंग सेक्टर फोर्थ पे रहा और उसके बाद आप देख सकते हैं इन्वेंट्री बैंक्स और इन्वेंट्री सिक्योरिटीज़ में फिफ्थ वन पर काम हुआ। इसका मतलब ये है कि बड़े अरसे के बाद आपने टॉप फाइव सेक्टर्स में इस पर्टिकुलर सेक्टर को देखा कि जिसका मतलब ये है कि इंस्टीट्यूट के तहत ज़्यादा बाइंग हुई है और ज़्यादा सेलिंग हुई है, जो कि इंडेक्स में भी एक अपना रोल अदा कर रहा है। बहरहाल सारी सूरत हाल स्टॉक एक्सचेंज की है और बहुत दुरुस्त बात किसी ने फरमाई है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कंट्री की इकनॉमी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। स्टॉक एक्सचेंज कंपनी की इकनॉमी की एक शेडो की तरह होता है, एक शेड की तरह होता है, एक मिरर की तरह होता है। तो वाज़ह तौर पर इकनॉमिकल सूरत हाल आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि कुछ बेहतर पॉलिसीज़ भी बन जाए ना, उसका भी मुस्बत जो है असर आपकी मार्केट पर आ जाएगा। क्योंकि आप ये चीज़ रियलाइज़ कीजिए कि अगर पॉलिसीज़ लॉन्ग टर्म भी होंगी तो उसका फौरन मुस्बत इम्पैक्ट आता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल यहाँ दूँ तो बहुत दुरुस्त बात होगी कि जब MSCI में जाने का आपको स्टेटस मिला था कि आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो अब MSCI यानी इमर्जिंग मार्केट का हिस्सा बन जाएगी, तो इसका स्टेटस ही स्टॉक एक्सचेंज ने पूरा साल जो है वो इसको बेनिफिट रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेट हमने ये देखा जब बाकायदा आप ग्राउंड में उतरे आपकी मार्केट के लिए तो ऑपरेशंस बहुत थोड़े हो रहे थे और ट्रेडिंग बहुत थोड़ी हो रही थी। मार्केट का बाकायदा आगाज़ हो चुका है, 139 प्लस के साथ मार्केट ओपन हुई है। अब देखना ये होगा कि स्टॉक मार्केट के नंबर्स कितने वैल्यूएबल रहते हैं और स्टॉक मार्केट कितना सपोर्ट करती है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक पर जब वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे, मौजूद मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी कुछ राय लेंगे कि क्या लग रहा है कि इकोनॉमिकल मामला पाकिस्तान के कहाँ जा रहे हैं, इसी पर बात करेंगे। स्टे विद अस।